हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखिएगा, डबल डोर फ्रिज है, नीचे कूलिंग नहीं कर रहा, ऊपर हल्का कूलिंग कर रहा है, नीचे एक भी कूलिंग नहीं कर रहा। चलिए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको हटा लीजिए। कन्वर्टेबल फ्रीज़र है, देखिए ये फैन नहीं चल रहा है, इसके कारण नीचे कूलिंग नहीं कर रहा। चलिए इसको खोलते हैं। इसको खोल लीजिए। भी खोल लीजिए। दो स्क्रू लगा हुआ रहता है। इसको ऊपर से पुश कीजिए, देखिए ऊपर से टानिए, इसको आराम से खुल जाएगा। नीचे से भी टानिए, खुल गया ये। जैक लगा हुआ रहता है, जैक खोल लीजिए। एक जैक खोल लीजिए। ये देखिए एक फैन चल रहा है, एक फैन नहीं चल रहा, इसके कारण नीचे कूलिंग नहीं कर रहा था। इसका डक चेंज करेंगे हम लोग। और ये डिफ्रोज सेंसर है, ये भी ख़राब हो गया था, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। देखिए ओरिजिनल है सैमसंग का डिप्रो सेंसर। इसको अच्छा तरीका से राउंड कर लीजिए। अच्छे से राउंड कर लीजिए। क्लिप लगा लीजिए। और इसमें हीटर और फ्यूज़ भी ख़राब रहता है तो नीचे कूलिंग नहीं करता है, पर इसमें हीटर और फ्यूज़ सही है। इसमें सिर्फ डिफ्रोज सेंसर ख़राब है, इसलिए डिफ्रोज सेंसर चेंज किए हैं। वायर राउंड करके पीछे रख लीजिए ताकि फैन ब्लेड में टच ना हो, कि टूटने का डर रहता है। चलिए डक चेंज करते हैं। ये क्लिप लगा लीजिए, फंसा लीजिए क्लिप अच्छा से। ये अब दबा के नीचे पुश करके बैठा लीजिए। ये देखिए बैठ गया है। अब स्क्रू टाइट कर लेते हैं। ये टाइट हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा पोज देते हैं ताकि कस्टमर कुछ बोले नहीं, सेटिस्फाइड कस्टमर रहे। देखिए साफ हो गया ये। चलिए अब फ्रिज ऑन करते हैं और चेक करते हैं नीचे कूलिंग हो रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्रिज ऑन हो गया। टेम्परेचर भी सही है सेट। चलिए अब नीचे चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए थोड़ा आ रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।